नमस्कार दोस्तों। तो फिर कैसे हो आप सभी लोग, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले कि हमारी बैंक निफ्टी में मंडे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और फ्राइडे के दिन इसके अंदर जो भी मोमेंटम हुए थे उनके पीछे के लॉजिक क्या क्या थे। तो दोस्तों फ्राइडे वाले दिन हमको यहाँ पे मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिली है। मार्केट में वन साइड एक मोमेंटम हुआ है और जो मैंने इससे पहले अपनी एक एनालिसिस वीडियो डाली थी उसमें मैंने साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई अब मार्केट में बायर्स की बारी है। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो देखी है तो गाइस आप लोगों को ये वाला मोमेंटम कैच करने में बहुत ही आसानी मिली होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं। आप लोग यहां देखो, फ्राइडे गैप अप 500 पॉइंट, अब बायर्स की बारी। मैंने क्लियरली बोला था कि यहाँ पे बायर्स की बारी है और उसका इंपैक्ट हमको यहाँ पे मार्केट में देखने के लिए मिला। यहाँ पे हमने सुबह से लेके शाम तक ना जाने कितने सेटअप डिस्कस करे और सारे के सारे सेटअप हमारे प्रॉफिटेबल थे और बहुत ही अच्छे थे। और गाइस अगर आप लोगों ने मेरे इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको नॉलेजेबल बहुत सारा कंटेंट मिलता है, तो इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि भाई हमारी मार्केट में कल के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि हमारी यहाँ पे मंडे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाकर दिखाऊंगा कि भाई मार्केट में जो यहाँ से पुल बैक आया है, तो मार्केट में हमारा ये पुल बैक आया क्यों है। इस पुल बैक को आने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि हमारा मार्केट जब यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा था वो यहाँ पे एक चैनल को फॉलो कर रहा था। चैनल हमारी मार्केट के अंदर ये था और हमारा मार्केट इस चैनल को फॉलो करता हुआ यहाँ से करता हुआ ऊपर की साइड जा रहा था। अब आप लोग यहाँ पे खुद से देख सकते हो मार्केट के बारे में। एक मिनट वेट करना, मैं अपने यहाँ पे पैन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे मार्केट के बारे में खुद से देख सकते हो कि मार्केट हमको यहाँ पे दिखाने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या कोशिश नहीं कर रहा है। हमारा मार्केट जब जब यहाँ पे इससे आके कनेक्ट हो रहा है तब तब वो यहाँ से ऊपर जा रहा था। हमारा मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे 3-4 दिन गिरा और इस पे जैसे ये कनेक्ट हुआ यहाँ पे इसमें हमको एक बाउंस बैक देखने के लिए मिला हुआ है। अब इस कैंडल के बाद ये डिसाइड होता है कि हमारा मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके और ऊपर की साइड जाएगा या फिर यहाँ से खाकर रिजेक्शन नीचे आके दोबारा इसका ब्रेकडाउन देके नीचे की साइड आएगा। ये हमको आने वाले वीक में पता चलेगा, ठीक है, कि मार्केट क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला है। एग्जैक्टली हमारी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए दिखाया है कि आपको यहाँ पे क्लियर रहे कि मार्केट में अगर ऊपर का मोमेंटम आ रहा है तो इसके आने के पीछे के रीजंस क्या है। तो गाइस फ्राइडे वाले दिन हमको हमारी मार्केट यहाँ पे गैप डाउन देखने के लिए मिलती है। हमारा मार्केट गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ इमीडिएटली अपने गैप को फिल करता है, इसको फिल करके यहाँ से एक पैटर्न बनाता है और ये इस पैटर्न को जैसे ही ब्रेक करता है हमारा मार्केट इस वाले जोन को यहाँ पे अप्रोच कर देता है। और इसके प्लान्स हमारे पहले से हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे थे, तभी कि तभी हमने यहाँ पे सारा का सारा मोमेंटम ऑलरेडी कैच किया ही था। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ लेवल, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे 47,400 और 47,600 इस 200 पॉइंट की रेंज में अगर ओपन होता है, कहीं पे भी ऊपर हो बट इस 200 पॉइंट की रेंज में रहे, तो हम लोग यहाँ पे ना तो बाई करने वाले हैं ना सेल करने वाले हैं, क्योंकि 200 पॉइंट की रेंज वाला जोन मेरे लिए यहाँ पे हो जाएगा नो ट्रेडिंग वाला जोन। और अगर हमारा मार्केट यहाँ से इस वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल जाता है तो हम लोग यहाँ से बाई करनी है मार्केट में। 48,000 के जोन को हमारे टारगेट करने वाले हैं, उसके बाद 48,200 का लेवल हमारा यहाँ पर टारगेट हो जाएगा अगर हमारा मार्केट इस जोन को ब्रेक करके ऊपर की साइड निकल पाता है तो। बट अगर हमारा मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड नहीं निकला और वो इसको ब्रेक करके यहाँ से नीचे की साइड निकला, तो आप लोग यहाँ से पुट में एंट्री प्लान करना है। आपका पहला टारगेट होगा 47,200, दूसरा आपका टारगेट यहाँ पर होगा 47,000 का जोन, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली बहुत ही अच्छे तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। प्लान बहुत सिंपल है। उसके बाद अगर हमारी मार्केट में एक यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जो आपका गैप अप ओपन हुआ है वो आपका 48,000 से कितना दूर है, कितना करीब है। हो सकता है कि अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है, हो सकता है कि 48,000 यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट करे और मार्केट को यहीं से ही बुलिश कर दे, मार्केट हमारे गैप को फिल करने के लिए नहीं आए, ये भी हो सकता है। और एक केस ये भी हो सकता है कि हमारा मार्केट यहाँ पे 48,000 के जोन से खाए रिजेक्शन, यहाँ से नीचे आ जाए और ये हमारे इस वाले गैप को फिल कर दे। तो दोनों की दोनों कंडीशन में यहाँ पे डिपेंड होने वाला है कि हमारा मार्केट 48,000 से कितना दूर या फिर कितना उसके करीब यहाँ पे ओपन हो रहा है। दूसरी बात निकल के एक ये आती है कि अगर हमारी मार्केट में डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक डरने वाला केस बनेगा बायर्स के लिए। जिन लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग करी है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, बट अगर मार्केट उनके अपोजिट साइड में खोलेगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाग कंफ्यूज होने वाले हैं और यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट में सेलर भी एंट्री प्लान कर दे। तो वो तो मार्केट में बैठ के तभी पता चल पाएगा कि भाई हमारा क्या प्लान होना चाहिए और क्या प्लान नहीं होना चाहिए। गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक कर देना है। मैंने यहाँ पे वीडियो की लाइक का 50 लाइक्स का टारगेट रखा है
है और जो कि मुझे आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा यहाँ पे ये 50 लाख का जो हमारा टारगेट है हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि भाई निफ्टी 50 में क्या प्लान होना चाहिए। निफ्टी 50 के प्लान बहुत सिंपल हैं। इसमें भी गैप डाउन ओपन होता है, ये भी यहाँ से पैटर्न बना के ऊपर निकलता है, अच्छा मोमेंटम इसमें ऊपर की साइड आता है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हमारा मार्केट यहाँ से इस वाले जोन को 22,180 के लेवल को अगर ये ब्रेक करके ऊपर की साइड निकलता है, बाई कर लेना और 22,320 का लेवल आपका यहाँ पर टारगेट बन सकता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। बट अगर हमारा मार्केट यहाँ पर 22,120 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड आता है, पुट में चले जाना और टारगेट अगर आपका यहाँ होने वाला है सीधा सीधा 22,000 का जोन। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, मैं लाइव आऊंगा मार्केट में, वहां पे बैठ के इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्लान करना है क्या नहीं करना है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।